I'm Rohit Verma. This school ka ex-student. I'm sorry. शायद ये कहना बेहतर होगा कि इस गुरुकुल का इस परिवार का ऐसा सदस्य जो 10 साल बाद घर लौटा है। 10 साल पहले जब हम यहाँ से गए थे तो स्कूल ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर हमारी आंखों में कुछ सपने रख दिए थे। कुछ सपने तो सच हुए लेकिन कुछ सपनों ने अपनी शक्ल ही बदल दी। हम में से बहुतों की शादियाँ हो गईं, बहुतों के बच्चे हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जिनका मामला noproposal.com पे अटका हुआ है। आप पूछेंगे कि मैं 10 साल तक यहां क्यों नहीं आया, उसकी वजह दरअसल एक लड़की है। वो मेरी क्लासमेट थी लेकिन हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सारा दिन लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। अगर मैं स्विमिंग पूल में कूदता तो मेरे कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाती। हम दोनों की नोटबुक्स एक दूसरे के कार्टून से भरी रहती। मिसेस डिसूजा डांट डांट के थक जाती लेकिन हम बाज नहीं आते। मैं उसे मेंढकी कहकर चिढ़ाता था और वो मुझे बैंगन कहकर सताती थी। उसके एक बर्थडे पर मैंने एक प्रेजेंट गिफ्ट रैप करके दिया। उसने थैंक यू कहते ही जैसे ही डब्बा खोला उसमें से एक मेंढक निकलकर उसके मुंह पे जा टकराया। वो चिल्लाई तो मैंने हंसते हुए कहा, मेंढकी योर बॉयफ्रेंड, किस तो करने दो। उसने डिब्बा जोर से मेरे मुंह पे मार दिया और रोते हुए कहा, मेरी किस्मत में यही चाहते हो तुम, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो तब तबाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर नजरें झुकाई और भाग गई। वो हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। मैंने 10 साल उन आंखों को भुलाने की कोशिश की। सोचा कि बचपन का प्यार था, शायद इंफैचुएशन। वो आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। एंड इफ आई एम लकी, वो आंखें आज भी इस ऑडिटोरियम में कहीं ना कहीं से मुझे उसी तरह देख रही होंगी। सॉरी, मैंने आप लोगों को उसका नाम तो बताया ही नहीं। उस लड़की का नाम है नेहा। नेहा, नेहा, आज भी तुम्हारे लिए एक मेंढक लाया हूं। क्या करूं, बहुत बड़ा हो गया हूं तो बॉक्स में फिट नहीं आया।